भले ही सरकार देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के सम्मान और विश्वास की जितनी मर्जी बातें करते रहे, लेकिन ये जो बातें हैं वो कारगर साबित नहीं हो रही है। ताजा मामला पानीपत से सामने आया है, जहां एक पूर्व फौजी की विधवा न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आरोप है कि पुलिस सेवा में कार्यरत एक दबंग ने विधवा के साथ मारपीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। इतना ही नहीं, दबंगों की दबंगई यही नहीं रुकी, दबंगों ने विधवा की बेटी के साथ मारपीट भी की है, जिससे उसकी गर्भ में पल रहे 3 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई है। इस पूरे मामले पर जब हरियाणा न्यूज की टीम ने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए हैं। बहरहाल नारी तू नारियाणी उत्थान समिति के अध्यक्ष सविता आर्य ने गांव पहुंच करके पीड़िता से मुलाकात की है और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। इस पेशेंट ये मेरे पास जो पेशेंट आई, मैंने उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखा, ब्लैडर फुल था, तो नीचे से देखा ब्लीडिंग भी शुरू हो चुकी थी और मैंने स्पेकुलम एग्जामिनेशन भी किया, कुछ ब्लड की गांठें भी आ रही थी। इमीडिएटली मैंने उसको थ्रेटन्ड अबॉर्शन बना के और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने के बाद ये हो गया कि ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन उन्होंने डायग्नोज कर दिया और उसके बाद मैंने उस पेशेंट की सफाई कर दी। सफाई के बाद उसकी हालत में काफी सुधार आ गया। मैं अपने मकान में थी और एक आदमी जिसने वो खरीद लिया था बाकी का, तो मारी उसकी बात भी होगी थी समझौते की, पर फिर उसने अपने उसका बेटा है पुलिस में, लवलीन उसका नाम है, वहाँ उसने फोन कर दिया और उसकी बहू आई और बहू की माँ आई, उसका बाप आया, गाड़ी से आकर उन्होंने मारा, सामान फेंकना शुरू कर दिया और सामान फेंकने के बाद मतलब लड़ाई लड़ी, मेरी बेटी के पेट में लात भी मारी, घसीट कर रोड पर गिर दिए, पुलिस वाले बयान भी ले गए पर कार्रवाई कुछ नहीं करी। और हम कभी SP के पास जावें, कभी DSP के पास जावें, SP तो DSP का नाम ले दे, DSP SHO का नाम ले दे। के मम्मी पापा आए, दो चार आदमी और थे उनके साथ, आके हमारे सामान बाहर फेंकने लगे, हमने रोका तो हमारे साथ मारपीट करने लगे, मेरी मम्मी को मारा, फिर मेरे उसके पापा ने पीछे से हाथ पकड़ लिया, वो मुझे लात घूसे मारने लगी, बच्चा तभी उस ब्लीडिंग होने लग गई थी और फिर हॉस्पिटल में आए तो फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो बताया बच्चा खराब हो गया। और इस वक्त फोनों पर खुद हमारे साथ पीड़िता जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। जो भी आपके साथ हुआ बेहद ही चिंता का यह विषय है, लेकिन क्या आप खुद बताना चाहेंगी कि क्या कुछ आपके साथ हुआ है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि सरकार लाख दावे करती है लेकिन ये दावे कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। और पानीपत से मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पूर्व फौजी की विधवा न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। और यहां पर आपको बता दें कि न्याय के लिए भटक रही है ये पूर्व फौजी के जो पत्नी है, विधवा है जो कि, और दबंगों ने पूर्व फौजी की पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है। आखिरकार क्या वजह रही है कि ये दबंग अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, बावजूद इसके ये भी आपको बता दें कि जो बेटी है उसके साथ भी मारपीट की गई है, जिसकी वजह से 3 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई है जो गर्भ में पल रहा था। और इस पूरे मामले पर जब हरियाणा न्यूज की टीम ने अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए तो वो भी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये दबंगई क्यों, और जब इतने सारे दावे किए जाते हैं कि यहां पर सैनिकों को सम्मान दिया जाता है, उनके परिवार को सम्मान दिया जाता है, लेकिन वो दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर मारपीट तक की गई है, घर से बाहर निकाला गया है। और सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये दबंगई क्यों की गई है। मामला आपको बता रहे हैं पानीपत से, पीड़िता फिर से जुड़ गई हैं। आप बताना चाहेंगे कि क्या कुछ आपके साथ हुआ है और ये दबंगई क्यों की गई है और कहां आपने शिकायत की है? ये पुलिस की वजह से, ये दूसरी पार्टी है, दबंग है, इनका बेटा पुलिस में है जिन्होंने हमारे साथ वारदात की है, और जो ये पुलिस में है इसके घरवाली ने और इस घरवाली के घरवालों ने की है जी, एक दो उनके साथ और अन्य थे, इन्होंने की है, पुलिस के बलबूते पर कराया जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर खुद पुलिस ही जो कि रक्षक कही जाती है, भक्षक बनती हुई